सुनो भाई सुनो। हम आए हैं नुक्कड़ नाटक लाए हैं। आज हम आपको बताएंगे एजुकेशन एंड कॉस्ट और साफ सफाई के बारे में। तो आइए देखते हैं, फिर उसमें सोप लगाएंगे और रगड़ेंगे, फिर अपने उंगलियों के बीच में हम रगड़ेंगे और फिर अंगूठे को और फिर नाखून से करेंगे कलाई पर और अपनी कलाई को और फिर पानी खोल लेंगे। अरे अरे तूने कपड़े में क्यों पोंछ लिया आज? अब इनमें क्या प्रॉब्लम है, सुबह ही निकाला था और इस्त्री करके पहना है मैंने। ओहो, कपड़े में भी तो कीटाणु लगे होते हैं, कहाँ दिख रहे हैं? आज तो सुबह खेल रहा था मिट्टी में वो। अरे यार मैंने धो रहा बार बार हाथ। चुपचाप से फिर से हाथ धो क्या, ठीक है? पहले हाथ गीले करो, फिर साबुन लगाओ, फिर घिसो 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 घिसो, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे, फिर कलाई और अंगूठे और फिर पानी से धो ले, ठीक है? झाड़ू लगा लो, सही है, घर को साफ करती मैं साफ। अरे तुझे दिखाई नहीं देता, यहाँ मेरे घर के सामने कूड़ा फेंकती है। अरे अरे वो मैंने गलती से डाल दिया, मेरे घर के सामने तुमने कूड़ा फेंका है, साफ कौन करेगा? रास्ता है ये, दिखता नहीं है क्या? यहाँ से उठाइए इसे। मैं नहीं उठा रही, साफ कौन करेगा? अरे ये मैंने कूड़ा यहाँ फेंक दिया तो लड़ रही है ये मुझसे। किसका है? इनका है। मैं क्यों उठाऊं, सरकार इतने सारी गाड़ियां लेके आती है वो उठाए, सरकार अपना काम नहीं करती है। मैंने तो अपनी घर की सफाई कर ली। तुमने तो सरकार की गलती निकाल दी कि जो तुम अपने घर की सफाई करते हो वो पूरा जो बाहर लाके डाल देते हो उसे तुम्हारे साथ करना चाहिए। अच्छा, अगर हम अपने आसपास खुद ही साफ सफाई रखेंगे तो सफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, तो इसीलिए हमें खुद भी साफ रहना चाहिए और अपने आसपास भी सफाई रखना। थैंक यू।